लास्ट वीडियो में आपने टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस किया वन सैंपल का, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास डिफरेंसेस ऑफ मीन का जिक्र आ रहा है तो उस सूरत हाल में टी टेस्ट आप कैसे अप्लाई करेंगी, उसको उसके लिए हम काम करेंगे। इसमें आपने दो फार्मूले नए पढ़ने हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि आपका टी का फार्मूला इसमें होगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एस पी अंडर रूट वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। एस पी अब क्या चीज़ है, एस पी आपके पास पूल्ड वेरियंस है, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला आप कर चुकी हैं, दो सैंपल्स हैं चूँकि आपके पास, तो दो सैंपल्स के लिए बनेगा एन वन माइनस वन एस वन स्केयर प्लस एन टू माइनस वन एस टू स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। एस वन स्केयर का फार्मूला आप जानती हैं, वन ओवर एन माइनस एन वन माइनस वन समीशन एक्स वन माइनस एक्स वन बार होल स्केयर, और इसी तरह एस टू का टू सेकेंड सैंपल के मुताबिक हो जाएगा। टी का फार्मूला आपने लिख लिया, टी का फार्मूला होता है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई एस पी ओवर वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा इसमें होता है एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ये देखिए एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगी तो आपके पास एन वन प्लस एन टू माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अच्छा जी, अब फॉर्मूलेशन सबसे पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की होगी। इसमें जो अजम्पशन आपने सेट करनी होती है वो तो ये है कि सिग्मा वन आपका सिग्मा टू के बराबर है, ये आपकी अजम्पशन है। एच नॉट होगा कि दोनों का डिफरेंस या तो स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है या ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ज़ीरो नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, तो आप उसको डेल्टा नॉट से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप 0.05 या 0.01 सपोज करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको पहले बता दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू के साथ जी। उसके बाद क्रिटिकल रीजन सेम उन्हीं लाइंस पे होगा कि अगर टू टेल टेस्ट है आपके पास तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टी माइनस अल्फा बाय टू से लेस और टी अल्फा बाय टू से ग्रेटर है तो आप रिजेक्ट करेंगी, वरना आप एक्सेप्ट करेंगी। और अगर आपके पास लेस देन डेल्टा नॉट के बराबर डिफरेंस आ रहा है म्यू वन म्यू टू का, तो आप इसका ऑल्टरनेट लेंगी कि माइनस टी अल्फा से अगर लेस आपकी वैल्यू आ रही है तो आप रिजेक्ट करेंगी, वरना नहीं। और अगर इसी तरह डिफरेंस ग्रेटर आ रहा है तो आपने टी अल्फा न्यू आपके पास है एन वन प्लस एन टू माइनस टू, इससे ग्रेटर अगर वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट करनी है। 18.5 एग्जांपल चेक करिए। गिवन आपको डाटा दिया हुआ है सैंपल का और आपने टेस्ट करना है म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन इक्वल टू थ्री, और इसी तरह एच वन आपने चेक करना है म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन थ्री अल्फा 0.10। सैंपल वन सैंपल टू दोनों सैंपल छोटे हैं और यहाँ पर सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों मिसिंग है। इसका मतलब आप अजम्पशन लेंगी कि वो डिफरेंसेस उनके जो हैं वो जो भी हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक आपके पॉपुलेशन जो वेरियंसेज हैं वो सेम हैं। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि गिवन है स्टेटमेंट में डिसाइड कर लिया। लेवल उसने 0.10 दिया है, आप वही लेंगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने पुट कर दिया, जहाँ पर डेल्टा नॉड आना था यानी म्यू वन माइनस म्यू टू वहाँ पर आपने थ्री की वैल्यू लगा दी क्योंकि उसने स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप फाइंड आउट करेंगी एन वन प्लस एन टू माइनस टू, वो आपके पास 15 आ रही है। कैलकुलेशंस करेंगी, स्केयर लेंगी, वैल्यूज़ निकालेंगी, सबसे पहले एस पी निकालेंगी, ठीक। फिर उसके बाद टी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसमें फाइंड आउट करके वैल्यूज़ पुट की, आपके पास वैल्यू आ रही है 2.53, ठीक। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। क्रिटिकल वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है अपनी, आपकी वैल्यूज़ कितनी हैं उसके मुताबिक एन वन माइनस वन और एन टू माइनस टू, यानी एन वन प्लस एन टू माइनस टू करके आपने वैल्यू निकालनी है। एन वन में आपकी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 माइनस वन करेंगी तो 10 आ जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये उसी के स्केयर टर्म है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये है 11 और ये है 6, 17, 17 माइनस 2 करेंगी तो 15 आ जाएगा। 0.10 के 15 में आपने चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही जी। 15 पे 0.10 पे आप देखिए वैल्यू आ रही है 1.341, ये देखिए
अब आपने कंपेयर करना है 1.341 को आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है जो कि 2.53 आई है उससे आपने कंपेयर किया और आपने देखा कि आपकी वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में लिहाजा आप रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद वाली एग्जांपल बेटा 18.6 ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगी, बहुत सिंपल है लेकिन ये एग्जांपल आपके पास्ट पेपर्स में आई हुई है, आपने ध्यान से इस एग्जांपल को करना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करिए और फर्दर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा काम। थैंक यू।